दोस्तों, अगर आप एक पोको F1 डिवाइस का यूजर है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा बुरी न्यूज है। तो इस वीडियो में हम लोगों को दिखाऊंगा क्या वो बुरी न्यूज है और ऑफिशियली Xiaomi ने उसको अनाउंस किया हम लोगों को पोको F1 डिवाइस के लिए बुरी न्यूज। तो चलिए इस तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या बुरी न्यूज है। तो सबसे पहले जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए इस तो देख लेते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपल आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पर टेक्नो दुनिया सर्च कर लेना और नीचे पे रेड कलर पे सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना और बाजू में जो बेल वाला घंटा इसको भी प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि मैं पोको F1 डिवाइस के लिए बहुत सारा वीडियो बनाते रहता हूँ। ऑलरेडी देख सकते हैं मेरे चैनल में पोको F1 डिवाइस का एक प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, वहाँ पे 60 से ऊपर वीडियो है। तो अगर आप पोको F1 डिवाइस का यूजर है और या फिर नहीं भी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि इसी तरह का टिप्स ट्रिक्स लेटेस्ट न्यूज अनबॉक्सिंग के बारे में सबसे पहले पता चले। तो चलिए इस तो मैं दिखा देता हूँ क्या वो न्यूज है। Xiaomi का जो पोको F1 डिवाइस के लिए जो ऑफिशियल फोरम है जो हर हफ्ते वीकली अपडेट देता है नेक्स्ट अपडेट क्या फिक्स्ड होगा, और तो उसमें आपको साफ बोला गया है कि इस वीकली अपडेट में आप देख सकते हैं पहले वाला जो प्रॉब्लम था कि हम लोगों का यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आता है नोटिफिकेशन कुछ टाइम के लिए रहता है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता। तो उसके लिए उन्होंने बोला था कि ज्यादातर वहाँ पे स्टेटस बार पे रहे उनके लिए वो काम कर रहे और डिस्कस कर रहे, जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन निकाल लिया। सबसे बड़ा जो बुरी न्यूज नेगेटिव न्यूज जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, देख सकते L1 सपोर्ट के लिए उन्होंने क्या बोला है कि जिसके से अगर आपका डिवाइस L1 हो तो हम लोगों का पोको F1 डिवाइस L1 सपोर्टेड नहीं है, वाइल्ड L1 सपोर्ट। तो L1 सपोर्ट के मतलब सबको क्या होता है कि ऑनलाइन जितना सारा स्ट्रीमिंग कंटेंट है जैसे करके हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वगैरह वीडियो को आप फुल HD पे प्ले कर सकते, 1000 का पोको F1 डिवाइस पे भी वो आपको नहीं मिलता। तो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, ये जो है मेरे पास Asus का Zenfone Max Pro M2 ये वाला पोको F1 डिवाइस है। तो दोनों को मैं आप लोगों को कंपेयर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा जो पोको F1 डिवाइस है और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं Asus Zenfone Max Pro M2 डिवाइस है। तो सिक्योरिटी लेवल जो है Asus का यहाँ पे L1 दिखा रहा है और दोस्तों वाइल्ड वन सिक्योरिटी लेवल जो पोको F1 डिवाइस का है वो यहाँ पे L3 शो हो रहा है। आप यहाँ पे गौर से देखिए L3 डिवाइस पे भी दोस्तों आपका जो है नेटफ्लिक्स वगैरह या फिर ऑनलाइन कॉन्टेंट वगैरह जो फुल HD पे प्ले होता है L1 सपोर्ट दिया गया DRM इन्फॉर्मेशन में। और दोस्तों हम लोग का पोको F1 डिवाइस पे अभी तक L3 है। तो उन्होंने फिक्स करने के लिए क्या बोला था कि विदिन Q4 में मतलब 2019 फर्स्ट 4 महीने के अंदर ही जो है उन्होंने L1 का सपोर्ट देने के लिए बोल रहा था। अब दोस्तों वहाँ पे क्या बोला है कि अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू रिलीज विदिन Q4। तो अभी तक काम कर रहे हैं और उन्होंने कोई सियोरिटी नहीं देता कि विदिन Q4 के अंदर जो है L1 सपोर्ट उन्होंने हम लोग को पोको F1 डिवाइस के लिए दे देंगे। तो काफी बुरी न्यूज है आप दोस्तों देख सकते। और थर्ड वाला न्यूज की बात करें तो टच लैग और रॉन्ग टच इशू जो हो रहा था हमको भी फेस किया, ये दोस्तों उन्होंने बोला है कि ऑप्टिमाइज कर दिया, उनका जो बीटा अपडेट है उनके अंदर पहले मिल जाएगा और उसके बाद स्टेबल पे आपको मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों नोटिफिकेशन काउंट जो बैच के अंदर शो होता है उन्होंने क्या बोला है कि उनका जो बीटा के अंदर रिलीज कर देगा जल्दी आपको स्टेबल में देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों और एक प्रॉब्लम था कि जब दोस्तों आपको पोको F1 डिवाइस को वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे उसके बाद जब अगर वाईफाई चला जाएगा तब तुरंत नेटवर्क जो है सिम पे डेटा पे कन्वर्ट नहीं होता, कुछ टाइम लगता है। उन पहले दोस्तों उन्होंने बीटा अपडेट में उसको फिक्स करेगा, उसके बाद स्टेबल अपडेट में उसको दे देगा, उसके बाद 4K 60 FPS का जो रिकॉर्डिंग है और दोस्तों उनका जो डेवलपमेंट है टोटली कंप्लीट हो चुका है और दोस्तों आपको कुछ ही टाइम के अंदर स्टेबल वाला अपडेट पे भी उसका फाइनल टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 7 प्रॉब्लम की बात करें दोस्तों, डायलर के अंदर आपका जो सिम कार्ड चूज करने का कॉल करने के बाद ऑप्शन नहीं मिलता, उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम उनको पता चल चुका है और जल्दी उनको फिक्स करने के लिए बोलेगा। और दोस्तों लास्ट वीक का जो अपडेट है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो अगर नहीं देखे तो जाकर देख सकते। ये कुछ न्यूज था दोस्तों आज पोको F1 डिवाइस के लिए। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, हैव ए गुड डे, बाय।